I am Dr. Ramesha Garwal, Associate Professor of Medicine in Lady Harding Medical College, New Delhi. So, COVID 19 is a respiratory illness and it is spreading fast in the country. So, this is basically a warlike situation. And, we must understand who is the enemy. दुश्मन कौन है उसकी क्या कमजोरियां हैं और हमारी क्या ताकत है सो द एनिमी इज हेयर इज़ अ वायरस एंड दिस वायरस इज़ कॉल्ड सार्स कोविड टू एंड दिस बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ वायरसेस कॉल्ड कोरोना वायरसेस और ये कोरोना वायरसेस ऐसा नहीं है कि हमें पहली बार अटैक कर रहे हैं यह करते रहते हैं बट माइल्ड सिम्टम्स के साथ में फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ में जिसमें बुखार खांसी जुकाम करके ठीक हो जाते हैं दो ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं पास्ट में जब इन्होंने एक बहुत ही सीरियस रूप ले लिया सार्स और मर्स ये दो ऐसे डिजीजेस थे जिसमें काफी नुकसान हुआ काफी ह्यूमन डेथ्स हुई बट तब भी समय रहते वो समाप्त हो गया कोविड नाइन्टीन एक रेस्पिरेटरी इलनेस है और जो वायरस है इस वायरस के बारे में हमें जानना जरूरी है इसको हम देख नहीं सकते इसके पैर नहीं है इसके हाथ नहीं है इसके पंख नहीं है तो ये इसकी कमजोरी है यह चल नहीं सकता लेकिन तब भी यह बहुत तेजी से स्प्रेड करता है और सहारा लेता है हमारा और आपका अगर हम नहीं चलेंगे तो यह नहीं फैल सकता तो जरूरी है हमारा रुकना इसको रोकने के लिए किसी भी लड़ाई में दो तरीके के लोग होते हैं एक सोल्जर्स जो लड़ते हैं और एक सिविलियंस या सिटीजन जो घर में रहते हैं यह लड़ाई नॉर्मल लड़ाई से डिफरेंट है नॉर्मल लड़ाई बॉर्डर पे लड़ी जाती है वहाँ सोल्जर के पास बंदूक होती है और बचाने के लिए अपने आप को कुछ सामान होता है यह लड़ाई घर में लड़ रहे हैं दुश्मन हमारे घरों में आ गया है हमें इससे बचना है मारने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है वैक्सीन नहीं है दवाई नहीं है हाँ बचाने के लिए हमारे पास तरीके हैं चाहे वो पी पी ही हो चाहे वो मास्क हो चाहे वो हैंड सैनिटाइजेशन हो चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो तो सिटीजन के नाते यह सिटीजन का कर्तव्य है कि वह अपने आप को इस बीमारी से बचाए बचाना कैसे है अपने हाथों को सैनिटाइज करना है धोना है साबुन और पानी से इन हाथों को अपने मुंह पे लेकर नहीं जाना है मास्क पहन के रखना है अगर घर से बाहर निकलते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है डेढ़ से दो मीटर का फासला रखना है किसी से भी बात करते हुए या उसके समीप जाते हुए तो यह तो हो गया सिटीजन का कर्तव्य अब आते हैं कोरोना वॉरियर्स जिसमें आप एन भी हो सकते हैं हम डॉक्टर भी हो सकते हैं पुलिसकर्मी भी हो सकते हैं और ऐसे लोग हो सकते हैं जो सेवा में लगे हैं जिनको घर से बाहर निकल के सिटीजन की प्रोटेक्शन करनी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन सभी कोरोना वायरस को, कोरोना वॉरियर्स को राष्ट्र रक्षक का नाम दिया है तो राष्ट्र रक्षक जब हैं तो सिटीजन्स की प्रोटेक्शन करना हमारा कर्तव्य बन जाता है अगर आप में से कोई इस इन्फेक्शन को ले लेते हैं या कहीं से आपको आ जाता है तो क्या होगा अभी तक जो देखा गया है 80 टू 85 परसेंट पेशेंट्स 80 से पचासी प्रतिशत मरीज स्वस्थ रहते हैं बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और ठीक हो जाते हैं लेकिन उस समय उनको आइसोलेट होना बहुत ज़रूरी है ताकि वह किसी दूसरे को ना दें अपनी बीमारी 10 से 15 प्रतिशत मरीजों में निमोनिया या कुछ और सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पर वह भी रिकवर कर जाते हैं ऑक्सीजन और दूसरी दवाइयों से सिर्फ चार से पाँच प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं वो भी जो वृद्ध हैं या जिनमें कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जैसे डायबिटीज हाइपरटेंशन जो कोई और कोर मोबिटीज हैं जिसमें ये वायरस सीरियस रूप ले लेता है और जिसमें वेंटिलेटर या और कुछ चीज़ों की आईसीयू की जरूरत पड़ती है तो बात को और संक्षेप में कहते हुए मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं भारत सरकार ने मेरे को जापान जाने के लिए भेजा सत्ताईस फरवरी को उस समय भारत में कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक तो दे दी थी पर इस रूप में नहीं दी थी कुछ केस केरला वगैरह साइड पे आए थे पर पूरे भारत में ऐसा नहीं फैला था तो जब हमें कहा जाने के लिए तो एक बार मन में तो यह विचार आया कि अगर हमें हो गया तो हमारे परिवार का क्या होगा लेकिन राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए देश के लिए कुछ करने के लिए जो फीलिंग होती है तो वो सब चीजें भुला देती है और सब चीजों से ऊपर होती है पूरी तैयारी करी हमने पूरी प्रिकॉशंस ली जापान गए वहां डायमंड प्रिंसेस शिप पे हमारे कुछ भारतवासी थे उनको हम सुरक्षित भारत लेकर के आए और कोरोना वायरस से उनको बचाया घर आकर के हमें चौदह दिन क्वारंटाइन करना था एक कमरे में हमने वो किया तो इस बात से मैं आपके साथ चार बातें शेयर करना चाहता हूं पहला डर तो डरने का ना समय है और ना डरना है यह आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है तो डर कैसे कम हो तो डर ऐसे कम होगा जब आप पूरी प्रिकॉशंस लेंगे अपने पूरा अपने आप को गियर रखेंगे मास्क पहनेंगे हैंड सेनेटाइजेशन करेंगे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो आपको यह नहीं होगा तीसरा है कर्म एक्शन एक्शन आपने भी लेना है एनएसएस में रह और हमने भी लेना है हमारा एक्शन है हॉस्पिटल्स में मरीजों के साथ आपका एक्शन है सोसाइटी के लिए आपको उन्हें समझाना है उन्हें एजुकेट करना है उनकी हेल्प करनी है पर प्रिकॉशंस लेकर के चौथा पॉइंट जो कि मेरे ख्याल में और भी इम्पॉर्टेंट है वो है अपना मेंटल बैलेंस और साइकोलॉजिकली अपने आप को हेल्दी रखना चौदह दिन का जो हमें बनवास मिला था उस टाइम पे ये प्रचलन नहीं था जब मैंने अपने आप को क्वारंटाइन किया था तो ये क्वारंटाइन की तब इतना प्रचलन नहीं था तब तो सारा देश आज़ाद था सब लोग घूम रहे थे मेरी फैमिली भी मेरे कमरे के बाहर थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ही क्यों क्वारंटाइन हूँ मैं कैसे टाइम बिताऊँगा पर ये कुछ क्षण तो रहा पर उसके बाद मैंने अपना ऐसे प्लान किया कि वो चौदह दिन कैसे बीत गए मुझे ये समझ नहीं आया आज तक उसमें मैंने बहुत कुछ लिखा बहुत कुछ पढ़ा बहुत कुछ सुना और पूरा दिन ऐसे निकल गया कि मुझे वो चौबीस घंटे भी कम लगते थे और आप ये मान के चलें कि इस टाइप का क्वारंटाइन पीरियड इस टाइप का लॉकडाउन पीरियड ना आपने कभी इमेजिन किया था और ना कभी शायद आगे मिलेगा तो इसका भरपूर सदुपयोग करिए प्लान करिए स्वस्थ रहिए सेफ रहिए जान है तो जहान है जय हिंद